लोग यानी इतने फ्रेंडली हमें, मतलब स्माइल करेंगे आपको देखकर। क्लाइमेट की हमेशा बात करते रहता हूँ मैं, तो क्लाइमेट हमेशा की तरह बढ़िया है। कल भी अच्छा था, आज भी अच्छा है। तो यहाँ पर बेसिकली राइट हैंड साइड ड्राइव है, यानी उल्टा है इंडिया से। हमेशा याद रखिए कि क्रॉसिंग करते वक्त क्रॉस पाथ का यूज़ कीजिए। जैसे ये वियतनाम का मतलब क्या कहूँ, इतने फ्रेंडली लोग हैं, मतलब मज़ा आ गया। तो गाइस अभी मैं मतलब यहाँ पर बैठा हुआ, तो ये वो जगह, तो ये बेसिकली फूटा बस सर्विस है, ये ऑफिस है उनका। तो यहीं पर मैं बैठा हूँ और इसके बारे में मुझे योडा ने बताया था, और तो योडा को थैंक्स कहना चाहता हूँ कि ये बस सर्विस, उसने कहा कि अच्छी है, स्लीपिंग बस मिलती है। लेकिन मुझे पता है कि स्लीपिंग बस एक्चुअल में होती कैसी है, यहाँ की देखा हो मैंने कल, तो अब देखते हैं। और ये जो बस बुक किया है वो हुई नहीं किया था वो, ओके। तो चलिए मेरी बस आगे, मैं अंदर बस में जा रहा हूँ। तो यहाँ से पहले हम एक टैक्सी में जाएंगे, शेयर्ड टैक्सी है, मतलब बेसिकली क्या बोलते उसको, नाम भूल गया मैं, शटल बस की तरह है। तो यहाँ से वो हमको बस स्टेशन तक लेके जाएगा, फिर वहाँ से हम बस पकड़ के निया चैंग के लिए निकलेंगे। तो चलिए अब मैं अंदर जाके बैठ जाता हूँ, पहले सीट पकड़ लेता हूँ। तो अभी शटल बस में बैठ गया हूँ मैं, और मेरे साथ काफ़ी पैसेंजर है। सबसे छोटी सी बच्ची है वो ही है, तो इनके साथ ही जा रहा हूँ मैं, और ये उनके मम्मी डैडी, तो इनके साथ ही जा रहा हूँ मैं। अब देखते हैं कहाँ पर पहुँचाएंगे मुझे। तो यहाँ से भी कितना टाइम लगेगा मैं वहीं पर जाके बता देता हूँ आपको। 275 डोंग लिया है, तो उसका कैलकुलेशन कितना होता है वो स्क्रीन पे आपको दिखा दूँगा। तो चलिए, अब पसीना काफ़ी ज़्यादा आने लगे, पसीना इसलिए आ रहा है क्योंकि बैग का लोड काफ़ी ज़्यादा है। तो खैर, अब जैसे जैसे ट्रैवल करूँगा वैसे वैसे थोड़ा सामान कम होएगा, क्योंकि जितने भी होस्ट थे उनके लिए मैंने कुछ ना कुछ लिया है, उनको मतलब देने के लिए रिटर्न में कुछ ना, मतलब एज अ फ्रेंडशिप जेस्ट, तो उनको कुछ ना कुछ दे रहा हूँ मैं। तो जैसे जैसे देते जाऊँगा वैसा वैसा मेरा सामान खाली होते जाएगा। तो चलिए अब चलते आगे और देखते हैं कितना टाइम लगता है यहाँ से। एग्जैक्ट 9 बजे निकल रही है यहाँ की शटल बस, यानी टाइम पर निकल रही है एकदम। तो देखते हैं अभी आगे कैसा चलता है जर्नी। अभी 9:30 बजे और अभी हम लोग आ गए इस बस स्टॉप पर। तो ये मेरे पीछे बस स्टॉप, और अभी हम लोग यहाँ पर आ गए। तो 9:30 बजे मतलब आधा घंटा लग गया यहाँ पर आने के लिए। अब यहाँ से मैं बस में बैठूंगा और फिर बस में हम लोग सीधा जाएंगे नियाचांग। तो तकरीबन 9 घंटे की जर्नी है, यानी 6:30 बजे मैं पहुँच जाऊँगा वहाँ पर। तो चलिए अब मैं यहाँ पर बैठ के वेट कर रहा हूँ। मैं अंदर का शूट नहीं कर पाया क्योंकि थोड़ा जो कार थी उसके मतलब जो डार्क शेड था उसके ग्लास पर, इसलिए मैं शूट नहीं कर पाया। तो अभी मैं सोचा कि यहाँ पर पहुँच गया हूँ तो अभी शूट करके बताता हूँ कि मैं कहाँ पर पहुँचा हूँ। तो फिलहाल मैं हूँ यहाँ पर इस बस स्टॉप से, वहाँ फूटा बस सर्विस से लेकर यहाँ पर आने के लिए तकरीबन आधा घंटा लग जाता है। फिर यहाँ से अभी दूसरी बस पकड़ के मैं जा रहा हूँ नियाचांग। तो जैसे जैसे मैं आगे चलते जाऊँगा वैसे वैसे मैं आपको अपडेट करते रहूँ। तो गाइस ये मेरी बस है और अब मैं अंदर जा रहा हूँ, बस आ गई मेरी। Right, 1, 2, 3, 4, 5. The pipette behind, right, bar. Yeah. First floor. Downstairs. Okay. काफी congested है। बहुत मतलब सक्रिय है, एकदम सक्रिय। मैं निकल भी नहीं पा रहा, मेरा बैग है इसलिए। तो उसने कहा 5th पर है, देखता हूँ अभी। तो फाइनली पहुंच गया मैं अंदर, काफ़ी सक्रिय है, आपको दिखा दो, एकदम सक्रिय है। मतलब अगर कोई मोटा आदमी रहेगा तो अंदर घुस ही ना पाएगा वो, क्योंकि 3-3 लोगों का बना है लोग। तो अभी मैं तो
तो अभी मैं अपना बैग वैग रखता हूँ और फिर बैठ जाता हूँ। तो ये है मेरी सीट और विंडो की तरफ लिया हुआ मैंने, तो अभी यहाँ पर ऐसा बैठना है, आराम से सो सकते हो और फिर ऐसे निकल सकते हो। थैंक यू। तो पानी की बॉटल दिया है और भी कुछ दिया है, ये क्या है देख लेता हूँ मैं, शायद टिश्यू पेपर दिया है लोगों ने, तो रख देता हूँ मैं। तो बस निकल चुकी है और अभी मैं जा रहा हूँ नया चैंग, तो तकरीबन 6-7 बजे तक पहुँच जाऊँगा, यानी 9 घंटा लगेगा ऐसा उन्होंने कहा है। बस में क्या क्या फीचर है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर LCD और ये USB चार्जिंग, और यहाँ पर है हेडफोन कनेक्ट करने के लिए TV देखने के लिए, तो आप मस्त में TV भी देख के जा सकते हो। और बस इतनी सक्रिय क्यों है, मतलब आपको गली से होते हुए आपको अंदर क्यों आना पड़ता है वो मैं आपको दिखाता हूँ, यानी इतना नैरो रूट क्यों है इसका, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देखे हो 3-3 सीट्स है, स्लीपिंग सीट, तो इसके मतलब स्लीपिंग बेड 3-3 है, तो इसके लिए ये थोड़ा काफ़ी सक्रिय बन जाता है, यानी एक वहाँ पर है, यहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ। अगर आप जाड़े हो तो अंदर नहीं घुस पाओगे, ये याद रखना, पतले हो तो ठीक है एडजस्ट कर सकते हो, मैं मतलब मीडियम हूँ तो घुस गया अंदर तो मेरा बैग थोड़ा हैवी था और थोड़ा भरा हुआ था, इसलिए थोड़ा घस घस के निकलना पड़ा मुझे अंदर, लेकिन एंड में आ ही गया और बैग को भी अंदर ठुसा दिया। हुइन ने मेरे लिए ये बस बुक किया था, वो भी विंडो सीट, तो हुइन को तो थैंक्स कहना ही चाहूँगा मैं, क्योंकि उनके वजह से मैं इस बस में आज बैठा हुआ हूँ। तो हुइन और योडा जिनके वजह से मुझे इस बस के बारे में पता चला, फूटा बस सर्विस है, याद रखना मस्त बस सर्विस है, अच्छा है, मतलब अभी देखते भी कितने जल्दी पहुँचाती है मुझे, टारगेट तो दिया है 9 घंटे का, यानी 6 बजे तक पहुँच जाना चाहिए मैं, 6:30 बजे तक पहुँच जाना चाहिए मैं, 9:30 को यहाँ से बस निकली है, यानी 6:30 के आसपास पहुँच जाना चाहिए मैं, तो अब देखते कैसा, अभी तक तो अच्छा सब जा रहा है, सर्विस सब अच्छा लग रहा है मुझे, जो उल्टी का फीलिंग आ रहा था वो भी चला गया इस बस को देख के और बाहर के नज़ारे को देख कर, तो अभी अच्छा लग रहा है। और एक इशू तो ये कि इसमें मतलब फ्लैट सीट नहीं है कि मैं मतलब इसको थोड़ा ऊपर करके बैठ सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ये एकदम मतलब ऐसा ही है, तो ये हिलता नहीं है, ऐसा ही रहता है, तो इसके वजह से मैं बैठ नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मुझे ऐसा बैठना पड़ रहा है बिना टेका लिए, या फिर मुझे उल्टा बैठना पड़ेगा टेका लेना है, तो 275,000 डॉन्ग लिया है, तो तकरीबन 933 रुपीज़ के आसपास हो जाता है, तो ठीक है फिर भी है। मतलब इतना भी महंगा नहीं है, बस की सर्विस भी अभी तक तो अच्छी है। एक्चुअल में सच कहूँ तो वियतनाम मेरे बकेट लिस्ट में था ही नहीं, तो जाना था मुझे, लेकिन 2024 या 2025 के आसपास मैंने सोचा था जाऊँगा, लेकिन ये मतलब ऐसा हुआ ना कि वियतजेट एयरलाइंस की सस्ती वाली टिकट मिली मुझे, और मेरा फिर यहाँ पर आना हुआ और इतने अच्छे लोगों से मिलना हुआ, और मुझे एक बहन भी मिल गई जो हुई ने, तो वो मुझे अपना भाई मानती है अभी, और मैं भी उसको अपना बहन ही मानता हूँ, तो अच्छा है, हम लोग का एक नया रिलेशन बन गया यहाँ पर, तो अभी देखते भी और कितने अच्छे अच्छे लोग मिलते मुझे, और जो हमारी जो नेचुरल हॉस्टल जिसमें मैं रह रहा था, बाकी जो ओनर वो भी काफ़ी फ्रेंडली थी मुझे, मतलब क्या क्या वो दे रही थी, तो मतलब मैं क्या कहूँ, अभी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मिलना हो रहा है, और काफ़ी फ्रेंडली यहाँ के लोग, मतलब मुझे लगा था मुंबई के लोग काफ़ी फ्रेंडली, लेकिन यार यहाँ के तो मतलब क्या कहूँ मैं, ज़बरदस्ती इधर की भी। और आप इस नज़ारे का आनंद लीजिए, और फिर जब नया चैंग पहुँचेंगे तब बात करेंगे, और अगर बीच में किधर स्टॉप पर अगर रुकता है, हॉल्ट होता है इसका, तो अच्छा होगा, क्योंकि 9 घंटे की जर्नी है, तो एटलीस्ट 2 हॉल्ट तो होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो फिर देखते हैं कहाँ पर हॉल्ट करता है, जहाँ पर भी हॉल्ट करेगा मैं वहीं से आपको वीडियो बना के बताना शुरू करूँगा कि किस लोकेशन पे हम लोग पहुँचे हैं। तो चलिए अब मैं यहाँ पर आराम करता हूँ, बाहर के नज़ारे देखता हूँ और आपको भी बाहर के नज़ारे दिखाता हूँ। सही है कि गैप में इतना गैप रखते हैं और छिपका छिपका के गाड़ी नहीं चलाते, एकदम गैप रख डिस्टेंस मेंटेन रखते हैं, ताकि
कभी कोई अचानक ब्रेक मारे तो एक्सीडेंट ना हो, तो ऐसा अगर हमारे देश में भी होने लग जाए तो बढ़िया होगा। और अलग बात है कि हमारे यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर ट्रैफिक रूल्स अगर वैसे फॉलो करने लग जाए और अगर ऐसा करने लग जाए तो एक्सीडेंट बहुत कम हो जाएगा। जो एक्सीडेंट के केसेस हमारे यहाँ पर होते हैं साल में, तो वो भी थोड़ी कम हो जाएगी। हमें सीखना चाहिए ये सब देख कर किस तरह से लोग एक इतना डिस्टेंस रखते हैं हर एक गाड़ियों के बीच में। हमारे यहाँ पर कैसा कि छोटा थोड़ा भी क्या पड़ेगा तो अंदर घुसाने का देखते हैं, यहाँ पर वैसा नहीं है। इसे हमें भी कुछ सीख लेना चाहिए और हमें भी ऐसे ही अपने देश में भी ऐसे ही मतलब जब गाड़ियाँ चलाते हो या बाइक चलाते हो तो इतना ही डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए ताकि एक्सीडेंट होने का चांस भी कम हो जाता है इससे। मेरी जो बस है वो पीछे है, 3 मिनट का हॉल्ट का है उसने, क्या 30 मिनट पता है ना, उसने 3 का है, या तो आधा घंटा होगा या फिर 3 मिनट पता नहीं, लेकिन लोग आराम से जा रहे आ रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है शायद 30 मिनट का रहेगा। खैर मैं अभी अंदर टॉयलेट में जाता हूँ, अंदर तो शूट नहीं कर सकता तो टॉयलेट में जाता हूँ, फिर आपसे बात है। वो फूटा बस लाइन जिसमें मैं आया हूँ यहाँ पर, और अभी हम लोग हॉल्ट कर रहे हैं यहाँ पर, तो उसने 3 उंगली दिखाई मुझे, तो या तो 3 मिनट होगा या तो 30 मिनट होगा, तो मुझे लगता है 30 मिनट का ही है क्योंकि 3 मिनट होके गए अभी तक। और अब मैं जिस जगह पर आया हूँ वो जगह का नाम है नानी होंग लोंग, तो ऐसा नाम है कुछ, तो 5 घंटे 54 मिनट्स दिखा रहा है जैसे, और तो है लंबा सफ़र है लेकिन मज़ेदार सफ़र है। और क्लाइमेट देखिए आप, ज़रा भी धूप नहीं है, ऊपर ठंडा क्लाइमेट है एकदम, बारिश भी नहीं हो रही इसलिए अच्छा लग रहा है। तो 30 मिनट का हॉल्ट रहता है इतना समझ में आ गया मुझे तो बस। और चप्पल भी उनकी है, देखो चप्पल भी उनकी पहन के आना पड़ता है आपको अंदर मतलब बाहर, और फिर अभी अंदर जाते वक्त वो चप्पल वापस डालना पड़ेगा उनके बास्केट में और फिर अंदर जाना पड़ेगा। तो अच्छा है, मतलब एक अच्छा है कि इससे क्या बस भी गंदगी मतलब बस में गंदगी नहीं होगी अगर आप जूते निकाल के जाते हो तो ये एक अच्छा है। हमारे यहाँ पर ऐसा होना चाहिए,
कि जूते निकाल के अंदर चले जाना चाहिए, नहीं तो फिर जूता गंदा रहता है और फिर वही जूते के साथ हम अंदर चले जाते हैं और फिर बस थोड़ा गंदा हो जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट मुझे थोड़ा अच्छा लगा। और मैं टॉयलेट गया था अभी अंदर, तो बाप रे टॉयलेट तो एकदम गंदा, मतलब लगा नहीं था। मतलब जब मैं ट्रेन में सफ़र करता था और जब टॉयलेट में देखता था अपने आप पर अपने देश में, तो बस वैसे ही टॉयलेट था यहाँ पर भी। पता नहीं यहाँ पर गंदगी क्यों है इस टॉयलेट में। फ्लश भी नहीं कर रहे लोग, बस सुसू करके जा रहे और फ्लश भी नहीं कर रहे, इसलिए एकदम गंदगी था वहाँ पर। तो खैर मैं फिर बाहर आ गया, फिर पैसे भी मैं लेके नहीं आया क्योंकि मुझे ऐसे कुछ ख़रीदना नहीं है। अब तो जो भी है बस अपने को पैसा बचा के घूमना है। तो मैं अभी चौकू से लेके आया था मुंबई से। तो चौकू से क्या मीठा रहता है, तो मीठा खा कर थोड़ा क्या ब्रेन थोड़ा ये हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है, मतलब माइंड चलने लगता है। रोड भी एकदम ज़बरदस्त है, मतलब क्या कहूँ मैं। थोड़ा रुक रुक के जा रही क्योंकि ट्रैफिक थोड़ा था, इसलिए रुक रुक के थोड़ी जा रही थी। लेकिन किधर कोई स्टॉप पे रुका नहीं, एक ही स्टॉप पे रुका था, लेकिन वहाँ से कोई पैसेंजर चढ़ा के नहीं पता ना, बाकी तो पूरा सीट खाली है एकदम। तो मैं ऊपर भी बैठा हूँ, नीचे मैंने सामान रखा है और एकदम राजाओं की तरह घूम रहा हूँ मैं यहाँ पर। मतलब ऐसा लग रहा है अपनी कंट्री में घूम रहा हूँ अभी, क्योंकि इतना मतलब मज़ेदार है। मैं तो आपसे यही कहूँगा कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप वियतनाम आइए। मैं वीज़ा का जो प्रोसेस है वो मैं पहले ही डाल दूँगा, अब डाल भी दिया हूँ मैंने। ये तो मैं अभी ये जो वीडियो आएगा वो बाद में आएगा, तो मैंने वीज़ा का प्रोसेस तो डाल भी दिया है कि कैसे आपको अप्लाई करना चाहिए। बस वो देख के आप अगर जल्दी जल्दी अप्लाई कर दोगे तो अच्छा है, क्योंकि ऐसा मौका आपको, मतलब ऐसा क्लाइमेट और ऐसा मौका आपको शायद बार बार नहीं मिलेगा आने के लिए। आप वापस तो आ सकते हो, लेकिन ऐसा क्लाइमेट में आना एक अलग ही बात है यार, मज़ेदार है। मुझे लगा था बारिश होगी, लेकिन बारिश वारिश कुछ नहीं, सही टाइम पर आया हूँ मैं। चीज़ अच्छी लगी कि आके लोगों ने यहाँ का कल्चर और ट्रेडिशन जो है वो छोड़ा नहीं है, तो इसलिए वियतनाम को मतलब थोड़ा यूनिक बना देता है। तो वियतनाम शुड बी द फर्स्ट कंट्री टू विजिट इन 2022। अगर आप कोई कंट्री अभी नहीं गए हो 2022 में, अगर या फिर आप जाके भी आ गए हो, तो इस कंट्री में ज़रूर आना, इस कंट्री में आना बनता है। बारिश की वजह से जो फॉग एकदम और नीचे आ गया, मतलब बादल जो एकदम नीचे आ गया माउंटेंस के, और व्यू एकदम ज़बरदस्त दिख रहा है एकदम, तो अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर एक पटरी भी जा रही है ट्रेन की, तो शायद यहाँ से ट्रेन भी जाती है, ट्रेन तो जाती है इतना मुझे पता है, लेकिन यहीं से लगते हुए जाती है, रोड को लगते हुए जाती है। तो व्यू एकदम ज़बरदस्त मिल रहा है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पर बारिश गिर रही है, अभी बारिश चालू हुई तो बारिश गिर रही है यहाँ पर अभी, तो दिखाता हूँ मैं अभी आपको।
गया अभी, तो एकदम मतलब पहाड़ भी और उसके नीचे सब बादल से ढका हुआ है आधा एरिया, तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है पहाड़ भी, और जो वियतनाम की जो खूबसूरती और भी बढ़ते जा रही है अभी, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा दिख रहा है पहाड़ का नज़ारा। मुझे निया छांग पहुँचने के लिए, तो अभी फ़िलहाल तो बारिश हो रही है, बीच में बारिश रुक गई थी, तो अभी बारिश हो रही है, पता नहीं वहाँ पर बारिश होने वाली है कि नहीं। मैंने वैसे तो अपना रेनकोट लेके आया हूँ लेकिन अंदर रखा हूँ लगेज में, तो अभी पता नहीं अगर बारिश रहेगी तो फिर उसको निकालना भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो अभी और आधा घंटा लगेगा मुझे वहाँ पर पहुँचने के लिए निया छांग। वहाँ पर पहुँचने के बाद मुझे एक मिनी वैन में बैठना है और फिर सिटी की तरफ जाना है, 10 किलोमीटर और मुझे वहाँ से जाना पड़ेगा अंदर। स्टेशन पर तो ये मेरे पीछे वो स्टेशन, और मैं जस्ट पहुँचा हूँ अभी, यानी जल्दी पहुँच गया मैं, 5-10 मिनट जल्दी पहुँच गया मैं, तो मेरे पीछे वो नियान चंग बस स्टेशन, और अब मैं इसी वैन में यहाँ पर इस वैन में मैं जाने वाला हूँ सिटी तक, जहाँ पर मेरा होस्ट मेरा वेट करने वाला है, तो उनके घर तक मैं जाने वाला हूँ, और फिर वो शायद बीच में या तो उनके घर तक या तो शायद बीच में किधर उतार देंगे मुझे, तो वहाँ से वो मुझे पिक करने आ जाएंगे, मतलब लेने के लिए आ जाएंगे बाय वॉकिंग, तो देखते हैं। अभी और 10 मिनट है, यहाँ पर रुकना पड़ेगा, फिर 10 मिनट के बाद ये वैन निकलेगी। तो गाइस अभी मैं वैन में बैठा हूँ और निकल चुके हम लोग मेरे डेस्टिनेशन के लिए, हालांकि बहुत से लोग बैठे तो सब अपने अपने डेस्टिनेशन पर पहुँचेंगे, और मुझे भी अपने डेस्टिनेशन पर छोड़ दिया जाएगा, यानी मेरे डेस्टिनेशन पर छोड़ दिया जाएगा। बजे मैं पहुंच गया यहाँ पर, तो अभी इनके साथ ही रहने वाला, अब तो बस हाईलाइट दिखा रहा हूँ मैं आपको छोटी छोटी, जैसा कल सुबह होगी तब मैं आपको क्लियरली दिखाऊंगा। तो चलिए अब ऊपर चलते हैं।